हेलो अवीवन वेलकम टू माई चैनल कोट और विथ माइक तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर वन हंड्रेड थ्री करने जा रहे हैं ठीक है लीड कोड नंबर टू फोर सिक्स थ्री हार्ड मार्क्ड है बट आई थिंक इसको अप्रोच करना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आई वुड से कि ये थोड़ा मीडियम साइड में का ये प्रॉब्लम है ठीक है तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है यू कैन सपोर्ट मी हेयर इफ़ यू वॉन्ट देखते हैं मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है बट ज़्यादा टफ नहीं है स्टेटमेंट समझना सम रोबोट्स आपको दे रखे हैं और कुछ फैक्ट्रीज़ दे रखे हैं और दो रोबोट और फैक्ट्री ना एक्स एक्सिस में ही अवेलेबल है ठीक है सिर्फ एक्स एक्सिस में यू आर गिवन एन इंटीजर अरे रोबोट वेयर रोबोट आई इज़ द पोजिशन ऑफ द आई एथ रोबोट एंड यू आर ऑल्सो गिवन अ टू डी इंटीरियर अरे फैक्ट्री जहाँ पर हर फैक्ट्री के बारे में uh, दे रखा है उसका पोजीशन कि फैक्ट्री किस पोजीशन पर है उस एक्स एक्सिस पे और वो फैक्ट्री कितने रोबोट्स को फिक्स कर सकता है ठीक है पोजिशन जे रिफर्स टू द पोजिशन ऑफ द जेथ फैक्ट्री एंड डैट जेथ फैक्ट्री कैन रिपेयर एट मोस्ट लिमिट जे रोबोट्स ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही रोबोट्स वो रिपेयर कर पाएगा ठीक है द पोजिशंस ऑफ ईच रोबोट आर यूनिक हर रोबोट का पोजिशन यूनिक होगा द पोजिशंस ऑफ ईच फैक्ट्री आर ऑल्सो यूनिक ठीक है नोट डैट अ रोबोट कैन बी इन द सेम पोजिशन एज अ फैक्ट्री इनिशियली स्टार्ट ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में एक रोबोट यहाँ पर है और फैक्ट्री जहाँ पर था उधर ही वो खड़ा भी हो ऑलरेडी ठीक है ओके ऑल द रोबोट्स आर इनिशियली ब्रोकन दे कीप मूविंग इन वन डायरेक्शन द डायरेक्शन कुड बी द नेगेटिव और द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस व्हेन अ रोबोट रीचेज अ फैक्ट्री दैट डिड नॉट रीच इट्स लिमिट द फैक्ट्री रिपेयर्स द रोबोट एंड इट स्टॉप्स मूविंग अभी क्या है सारे रोबोट्स खराब हैं वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं ठीक है या तो इधर या तो इधर ठीक है जैसे ही उसको कोई फैक्ट्री मिलता है और वो फैक्ट्री के पास अगर लिमिट बचा है तो वो उस रोबोट को फिक्स कर देगा और रोबोट वहीं पर स्टिल हो जाएगा ठीक है अभी वो खराब इसी वो है इसीलिए वो मूव कर रहा है लगातार एट एनी मोमेंट यू कैन सेट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूविंग फॉर सम रोबोट ठीक है योर टारगेट इज टू मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑल द रोबोट्स ठीक है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑल द रोबोट्स उसको मिनिमाइज करना है ठीक है रिटर्न द मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑल द रोबोट्स द टेस्ट केसेज आर जनरेटेड ऑल दी रोबोट्स कैन बी रिपेयर्ड देखो मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑल द रोबोट्स मिनिमम कितने डिस्टेंस uh, ट्रैवल करेगा वो आपको पता करना है ठीक है तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेना कि ऑल दी रोबोट्स हैव द सेम स्पीड इफ टू रोबोट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन दे विल नेवर कोलाइड ओके इफ टू रोबोट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट एट सम पॉइंट दे विल नॉट कोलाइड दे विल जस्ट पास इच अदर इफ अ रोबोट पासिस बाई अ फैक्ट्री डट रीचेज इट्स लिमिट इट क्रॉसेज इट एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट जैसे मान लेते हैं ये रोबोट है ठीक है और यहाँ पर फैक्ट्री है रोबोट ऐसे क्रॉस किया रोबोट को ये फैक्ट्री मिला अगर ये फैक्ट्री की लिमिट खत्म हो चुकी है तो रोबोट इसको पास कर जाएगा एज इफ की ये फैक्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था रोबोट आगे निकल जाएगा ठीक है इफ़ द रोबोट मूव फ्रॉम पोजिशन एक्स टू पोजिशन वाई जो डिस्टेंस होगा वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई या फिर वाई माइनस एक्स मॉड्यूलस निकालना है हमें ठीक है और इसी डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है है ना सारे रोबोट्स को हमें फिक्स भी करना है ठीक है ये ध्यान देना और इनपुट कुछ इस तरह दिया रहेगा कि ये गारंटीड होगा कि हर रोबोट फिक्स किया जा सकता है फैक्ट्री के द्वारा है ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रोबोट ज़्यादा हैं और फैक्ट्री का ओवरऑल जो लिमिट है ओवरऑल सारे फैक्ट्री का जो लिमिट है वो कम है ऐसा कभी नहीं होगा सारे रोबोट फिक्स हो पाएंगे जैसे ये एग्ज़ाम्पल देखो रोबोट जीरो कोमा फोर कामा सिक्स फैक्ट्री टू कोमा टू सिक्स कामा टू तो अब अभी आप देखो ध्यान दो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ एक्स एक्सिस में तो रोबोट जीरो देखो यहाँ खड़ा है पोजिशन नंबर जीरो में रोबोट वन पोजिशन नंबर फोर में है रोबोट टू पोजिशन नंबर सिक्स में है फैक्ट्री नंबर की बात करें तो दो फैक्ट्री है फैक्ट्री नंबर ज़ीरो फैक्ट्री नंबर वन तो फैक्ट्री ज़ीरो को देखो वो टू यहाँ पर खड़ा है ठीक है और उसका लिमिट देखो तो कितना है लिमिट टू है मतलब ज़्यादा से जादे ज़्यादा वो दो रोबोट को फिक्स कर सकता है फैक्ट्री वन को देखो वो सिक्स पर खड़ा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा दो रोबोट को फिक्स कर सकता है ठीक है तो इसका आंसर फोर क्यों है क्योंकि देखो ये आर जीरो है ना रोबोट जीरो इसको आप इस फैक्ट्री टू के पास जीरो के पास भेज दोगे तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इनिशियली ये ज़ीरो पर खड़ा है और ये टू पर गया तो टू माइनस जीरो का मॉडिलो दो हो गया सिमिलरली आर वन जो है इसको अगर आप यहाँ भेज दो फैक्ट्री नंबर जीरो पे भेज दो फैक्ट्री नंबर जीरो दो रोबोट को फिक्स कर सकता है एक रोबोट उसने इसको फिक्स कर दिया एक रोबोट और फिक्स कर सकता तो इसको फ़िक्स कर देगा ठीक है तो डिस्टेंस कितना कवर किया रोबोट वन का है पोजिशन चार है चार माइनस फैक्ट्री का पोजिशन टू है चार माइनस दो दो हो गया है ना यहाँ तक क्लियर है और रोबोट टू को अगर आप ध्यान दो तो रोबोट टू को आप फैक्ट्री वन पे ही रहने दो क्योंकि वो फैक्ट्री वन पे ही खड़ा है तो वो ऑलरेडी उस वो रिपेयर हो जाएगा तो उस, उसने मूवमेंट कितनी करी उसने मूवमेंट जीरो करी तो ये ऑलरेडी यहाँ पर रिपेयर हो जाएगा तो ओवरऑल देखो डिस्टेंस कितना कवर हुआ चार है ना हमारा आंसर चार होगा और एक बात तो यार खुद से सो आप सोचो कभी ज़िंदगी में आप ये नहीं चाहोगे कि जो रोबोट ज़ीरो है इसको आप इस वाले फैक्ट्री के पास भेजो क्यों भेजोगे यार ऑबियस ये बात आप नहीं भेजना चाहोगे इतना दूर क्यों भेजोगे उसको जब इसके पास एक बगल में एक फैक्ट्री है और ये इधर अगर जाएगा तो ये इधर ही फिक्स हो जाएगा ना आप इसको आगे क्यों भेजोगे इतने दूर ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है ओके तो यहाँ से एक घंटा में ये मिलता है कि क्यों ना हम ऐसा सॉर्टिंग कर दें रोबोट को और फैक्ट्री को सच दैट जो सबसे नियरेस्ट फैक्ट्री है वो सबसे नियरेस्ट रोबोट के पास आ जाए है ना क्योंकि देखो दोनों एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है तो देखो ये जीरोथ पोजीशन हो गया ये टूथ पोजीशन हो गया तो ज़ीरो के नियरेस्ट यहाँ पर टू है तो ऑब्वियस है मैं इस रोबोट को इस फैक्ट्री से रिपेयर करवाऊंगा क्योंकि इसका ये नियरेस्ट होगा है ना तो बेस्ट क्या होगा क्योंकि ये जो इनपुट है ना फैक्ट्री का ये अनसॉर्टेड भी हो सकता है तो बेस्ट हमारे लिए क्या होगा कि भाई शॉर्ट कर देते हैं है ना दोनों पोजिशन को दोनों पोजिशन को शॉर्ट करेंगे जैसे ये जीरो कामा फोर कामा सिक्स है ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है जीरो कामा फोर कामा सिक्स ऑलरेडी सॉर्टेड है मान लेते हैं ये फैक्ट्री मेरा कुछ ऐसा होता है सिक्स कॉमा टू और टू कामा टू ठीक है सिक्स कॉमा टू और टू कामा टू होता तो ही बात है इसको हम शॉर्ट कर देंगे टू कामर टू और सिक्स कॉमा टू कर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा देखो जीरो वाला जो रोबोट है उसको इस पहले वाले फैक्ट्री से हम रिपेयर करवा लेंगे क्योंकि देखो सबसे नियरेस्ट है हमने इसको शॉर्ट कर दिया है तो मुझे एक हिंट तो यहाँ मिल गया था कि शॉर्टिंग करने से फ़ायदा तो हो सकता है गारंटीड ठीक है शॉर्टिंग करने से कुछ तो फ़ायदा दिख रहा है क्योंकि नियरेस्ट रोबोट को उसके नियरेस्ट फैक्ट्री से हम मैचअप कर पाएंगे है ना क्योंकि दोनों रोबोट और दोनों जो रोबोट और फैक्ट्री है दोनों एक्स एक्सिस में ही प्रेजेंट है तो सभी के पोजिशन्स को हम सॉर्ट कर देंगे तो जो नियरेस्ट रोबोट है वो नियरेस्ट फैक्ट्री से मैच हो जाएगा ठीक है ये या इससे हो जाएगा या तो इससे हो जाएगा एंड सो ऑन यहाँ तक क्लियर है तो शॉर्टिंग मेरे दिमाग में यहाँ पर हिंट में आ गया था कि सॉर्टिंग विल हेल्प ठीक है अब फर्दर देखते हैं कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर टू अगर आप देखोगे ना प्रॉब्लम में ठीक है उसमें दे रखा है कि एक रोबोट जो है रोबोट नंबर ज़ीरो जो है वो वन वाले पोजीशन पर है रोबोट नंबर वन जो है वो माइनस वन पर है सिमिलरली फैक्ट्री में फैक्ट्री नंबर ज़ीरो जो है वो टू कामा वन पर है फैक्ट्री कामा वन वन जो है फैक्ट्री वन वो माइनस टू पर है ठीक है फैक्ट्री ज़ीरो टू पर है फैक्ट्री वन माइनस टू पर, पर है और दोनों की कैपेसिटी वन है लिमिट वन है तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है ठीक है ये मेरा एक्स एक्सिस है अब मुझे आप एक बात बताओ बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आप कभी ज़िंदगी में नहीं चाहोगे कि रोबोट वन को आप फैक्ट्री नंबर जीरो के पास भेजो कभी नहीं चाहोगे क्योंकि देखो डिस्टेंस थ्री आ रहा है दोनों के बीच का टू माइनस ऑफ माइनस वन का मॉड्यूलर लो तो तीन आ रहा है डिस्टेंस जबकि अगर आपको आप ध्यान दो तो रोबोट वन के जस्ट बगल में फैक्ट्री वन प्रेजेंट है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे इसको यहाँ भेजोगे है ना तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टू इसका मॉड्यूलो ले लो यानी कितना हो गया माइनस वन प्लस टू का मॉड्यूलो दैट इज़ वन आ गया ऑब्वेस है वन इज़ लेस देन थ्री तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए तो यहाँ से ही मुझे एक फ़ायदा दिख रहा है कि क्यों ना अगर मैं इस इनपुट को शॉर्ट कर देता तो माइनस वन यहाँ आ जाता वन यहाँ आ जाता ठीक है यहाँ पर क्या आया था माइनस टू कॉमा वन और टू कॉमा वन आया था तो इससे देखो तो फायदा क्या हो रहा है कि मैं ब्लाइंडली यहाँ पर ये यह बोल सकता हूँ कि माइनस वन में जो रोबोट प्रेजेंट है उसको मैं माइनस टू वाले रोबोट से रिपेयर करवाऊंगा देखो माइनस वन में जो रोबोट था उसको मैं माइनस टू वाले रोबोट से रिपेयर करवाऊंगा क्योंकि हमने दो दोनों को शॉर्ट कर दिया है और दोनों सेम एक्सिस में है है ना तो तो बहुत चांसेस है कि ये ऑब्वियसली बात है शॉर्ट हुआ तो ये नियरेस्ट वाला इसको पकड़ेगा ठीक है उसके बाद देखो रोबोट वन जो है ये वाला ये फैक्ट्री नंबर टू वाले पोजिशन पर जाएगा तो देखो रोबोट वन जो है ये वाला है जो भी नाम है रोबोट का कोई भी नाम हो सकता है वन वाला टू वाले फैक्ट्री पोजीशन पर जाएगा है ना तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा वन आएगा ठीक है तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ माइनस वन ऑफ माइनस ऑफ माइनस टू कितना आया डिस्टेंस वन यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया टू माइनस वन वन ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया वन प्लस वन दैट इज़ टू ठीक है कितना कम डिस्टेंस आ गया ये हमारा आंसर है तो ये मैंने एग्जाम्पल बस आपको इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको ये रियलाइज़ करवा सकूँ कि क्यों सॉर्टिंग द पोजिशंस ज इम्पॉर्टेंट है ना इज इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल ठीक है यहां से तो क्लियर होगा कि हमें शॉर्टिंग जरूर से कर देंगे रोबोट वाले एरे को भी और फैक्ट्री वाले एरे को भी पोजिशन के हिसाब से यहां तक क्लियर है अब देखो ध्यान दो ये वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या अब फर्दर अप्रोच होना चाहिए रोबोट मैंने पहला वाला एग्जाम्पल लिया रोबोट का पोजिशन ऑलरेडी शॉर्टेड है तो हम शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है ठीक है है ना ऑलरेडी सॉर्टेड है ये जीरो कॉमा फोर कामा सिक्स और ये जो फैक्ट्री का पोजीशन है टू कामा सिक्स है और दोनों का लिमिट मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री जीरो दो ही को रिपेयर कर पाएगा फैक्ट्री वन दो रोबोट को रिपेयर कर पाएगा ठीक है और हमारे पास टोटल टो, तीन रोबोट है तो अब सिंस ये सॉर्टेड है तो देखो आर ज़ीरो जो है है ना रोबोट जीरो इसके सबसे नियरेस्ट फैक्ट्री कौन सा है ये वाला है ना जो पोजीशन नंबर टू पर है ठीक है तो डिस्टेंस कितना आ रहा है टू माइनस ज़ीरो ओके अब देखो ध्यान देना ये जो तो रोबोट वन है इसके पास अगर ध्यान दो अगर ये इस फैक्ट्री के पास जाता है तो इसके पास लिमिट है अभी राइट मतलब एक और रोबोट को रिपेयर कर सकता है फैक्ट्री ज़ीरो तो ये इसके पास भी जा सकता है तो इसके पास अगर जाता तो रोबोट वन की वजह से ये रोबोट ज़ीरो का था रोबोट वन की वजह से कितना डिस्टेंस आएगा उसका पोजिशन चार है चार माइनस दो ठीक है और उसके बाद क्या होता है कि रोबोट टू जो है उसके लिए उसकी वजह से तो डिस्टेंस ज़ीरो लगा क्यों क्योंकि वो करंट पोजिशन पर ही है तो जीरो लगेगा इसकी वजह से तो ये टोटल डिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है चार निकल कर आ रहा है ना ठीक है अगर मान लेते हैं अगर आप ध्यान दो यहाँ पर रोबोट ज़ीरो को ही बात है आप आगे कहीं पर भेजना नहीं चाहोगे तो रोबोट ज़ीरो को मान लेते हैं मैंने टू माइनस ज़ीरो पर ही भेजा पोजीशन टू लगा रोबोट वन पर देखो ये अगर लास्ट टाइम ये फैक्ट्री ज़ीरो पर गया था राइट अगर मैं इसको फैक्ट्री वन पर भेजूँ तो इस बार अभी भी देखो मेरा डिस्टेंस इतना ही निकलेगा टू पर गया था और अभी वे फोर पर सॉरी ये सिक्स पर जाएगा और करेंटली वो फोर पर है तो देखो डिस्टेंस दो आएगा यहाँ पर भी और आर uh, टू की बात करें तो वो ऑब्वियस है उसका डिस्टेंस जीरो ही लगेगा उसके नियरेस्ट वो अपने खुद फैक्ट्री के पास खड़ा है वो तो टोटल अभी भी फोर आ रहा है ठीक है अब देख एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर गौर करना कि अब देखो यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर फायदा यहाँ पर एक चीज़ क्या है ना कि यहाँ जो फैक्ट्री है इसके पास ए, एक लिमिट एक रोबोट बच गया अगर मैं इस अप्रोच पर आऊँ ठीक है अगर मैं इस अप्रोच से जाऊं तो फैक्ट्री ज़ीरो पर ध्यान दो आ, वन लिमिट स्टिल रिमेनिंग है ठीक है स्टिल रिमेनिंग है अगर मान लेते हैं आगे जाके आपको कोई एक रोबोट मिलता है तो उसको देख रहे हो और मान लेते हैं एक ही फैक्ट्री यही दो फैक्ट्री था तो इसको ना फिर ये वाले फैक्ट्री के पास जाना पड़ेगा जो कि उसके लिए नुकसान है क्योंकि बहुत दूर हो गया ये रोबोट है ना तो ये नुकसान हो जाएगा तो उस केस में हमें ये वाला अप्रोच लेना चाहिए था क्यों क्योंकि देखो तो क्या होगा इस केस में आ, ये रोबोट जो है ना रोबोट वन ये इसके पास चला जाएगा ठीक है तो इसकी लिमिट तो ज़ीरो हो गई क्योंकि इसने रोबोट ज़ीरो रोबोट वन को फ़िक्स किया और देखो आर टू की लिमिट अभी भी एक है सॉरी एफ़ वन की लिमिट अभी भी एक है क्यों क्योंकि इसने एफ़ टू को फ़िक्स किया था है ना और आर थ्री अभी अगर आएगा फ्यूचर में तो वो एफ वन से फिक्स हो जाएगा तो मतलब क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट बचा हुआ है है ना तो मेरे लिए बेटर अप्रोच किया हुआ मेरे लिए बेटर अप्रोच ये हुआ क्यों क्योंकि अगर फ्यूचर में एक और रोबोट आता तो उसके लिए ये वाला फैक्ट्री बचा रह जाता ना कि ये इतना दूर वाला है ना तो यहाँ से एक आइडिया क्या लग रहा है ना कि हम ये गारंटी नहीं कह सकते कि हम ये आर वन को इसके पास भेजें या इसके पास भेजें हमें ट्राई करना पड़ेगा दोनों ठीक है या तो एक बार हम ऐसे करके ट्राई कर लेंगे कि आर वन को मैं ये फैक्ट्री में से फ़िक्स करवाऊँ या फिर आर वन को मैं इस फैक्ट्री से ना फिक्स करवा के इस फैक्ट्री से फ़िक्स करवाऊँ ठीक है तो देखा जाए तो ये अप्रोच नहीं हो गया कि हम एक बार आर वन को फैक्ट्री आर वन को फैक्ट्री ज़ीरो से हमने रिपेयर करवाया तो हमने क्या किया वहाँ पर टेक कर लिया टेक क्या किया आर वन टू फैक्ट्री नंबर ज़ीरो ठीक है और स्किप कर लिया मतलब आर वन को हमने फैक्ट्री नंबर ज़ीरो से ना रिपेयर करा के आगे का जो फैक्ट्री है उस पर ट्राई मारेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस निकल कर आ रहा है कि हमें ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे ठीक है इवन दो आपने शॉर्टिंग कर दी है बट ऐसा सिनारी आ सकता है जो अभी मैंने आपको बताया ये सिनारी फिर कैसे हैंडल करोगे तो बेस्ट यही है कि आप टेक और नॉट टेक करके टेक और स्किप वाला तरीका लगा लो क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो हमेशा टेक और स्किप वाला अप्रोच लगा लो क्योंकि ये क्या करेगा सारे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करके आपको सबसे ऑप्टिमल और बेस्ट आंसर निकाल के देगा है ना जब तो जब जब कुछ नहीं समझ में आए तो बेस्ट अप्रोच यही होगा आपका टेक और स्किप वाला अप्रोच लगा लो यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पर वही होगा कि अगर टेक कर अगर मैंने आर वन को एफ़ जीरो पर कर दिया तो ये आंसर आएगा ठीक है और एफ़ ज़ीरो में ना कर करा तो ये वाला ये वाला पाथ जाएगा है ना तो हम सिंपली क्या करेंगे नॉर्मल सा रिकर्शन लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है है ना और टेक और स्किप वाला दिमाग लगाएंगे ठीक है अब बस एक लास्ट चीज़ है उसके बाद ये कोड करने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे तो हमने ऑलमोस्ट अप्रोच क्रैक कर लिया है इसका ठीक है तो हमारा अप्रोच सबसे पहला क्या होगा कि पहला स्टेप होगा कि हम दोनों को शॉर्ट तो कर ही देंगे और शॉर्टिंग का हमें फ़ायदा पहले ही दिख चुका था ठीक है तो शॉर्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है वो आपको समझ में आ गया है शॉर्ट कर देंगे दूसरा कि आपको ये रियलाइज हो चुका है कि हमें ना चाहते हुए भी टेक और नॉट टेक वाला ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा हर एक रोबोट के लिए रोबोट ज़ीरो रोबोट वन रोबोट टू रोबोट जीरो को मैं एक बार इस फैक्ट्री पर अप्लाई मारूँगा या फिर रोबोट जीरो को इस फैक्ट्री में अप्लाई नहीं मार के इस फैक्ट्री में अप्लाई मारूंगा एंड सो ऑन सिमिलरली इसके लिए भी टेक नॉट टेक टेक नॉट टेक एंड सो ऑन ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो इसमें थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्यों क्योंकि अगर आपने मान लेते हैं फैक्ट्री ज़ीरो आई है ये, और ये फैक्ट्री वन है अगर आपने रोबोट ज़ीरो को फैक्ट्री ज़ीरो पर आ, इस टेक कर लिया मतलब रोबोट ज़ीरो को अपने फैक्ट्री ज़ीरो पर डाला तो फैक्ट्री ज़ीरो पर देखो लिमिट कितना है दो लिमिट है मतलब ये दो रोबोट को फिक्स कर सकता है ठीक है तो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि अभी देखो फैक्ट्री इसका लिमिट टू से अभी वन हो चुका है मतलब एक और रोबोट ये ले सकता है ठीक है और अगर आपने इसको स्किप किया तो रोबोट जीरो यहीं पर रहेगा मैं फैक्ट्री ज़ीरो ना करके फैक्ट्री वन में ट्राई मारूंगा फिर फैक्ट्री वन में अगर रोबोट ज़ीरो को मैं फिक्स करता हूँ तो वहाँ पर भी दो रा... पहले लिमिट था फिर अपडेट करना पड़ेगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि कितना लिमिट बचा है उस फैक्ट्री का तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा और क्लीन तरीका ये है कि आप देखो ध्यान दो ये फैक्ट्री ज़ीरो कितने रोबोट को फिक्स कर सकता है दो रोबोट को फ़िक्स कर सकता है तो मैं ये एज्यूम कर लूँगा कि एक्स पोजिशन पर पोजिशन नंबर टू में याद करो फैक्ट्री नंबर ज़ीरो था ना तो मैं ये मान लूँगा कि यहाँ पर दो फैक्ट्रीज थे फैक्ट्री ज़ीरो दो बार थे यहाँ पर सिमिलरली पोजिशन नंबर सिक्स पे देखो फैक्ट्री वन था और ये दो रोबोट को फिक्स कर सकता था तो मैं यहाँ ऐसे मान लूंगा कि पोजीशन नंबर सिक्स में एफ़ वन फैक्ट्री दो बार है ठीक है तो इसको देखो तो सिम्प्लीफाई अगर मैं कर दूँ अगर मैं इसको खोल दूँ इस फैक्ट्री वाले अरे को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एफ़ ज़ीरो बार है और एफ़ वन जो है वो दो बार है ठीक है या तो अब एफ़ ज़ीरो तो नहीं लिखेंगे इसका पोजिशन लिख लेते हैं कि टू पोजिशन पर एक फैक्ट्री है टू पोजिशन पर एक और फैक्ट्री है सिक्स पोजिशन पर एक फैक्ट्री है सिक्स पोजिशन पर एक और फैक्ट्री है ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो इससे देखो तो फायदा क्या होगा थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपका अप्रोच आप आराम से अब इसको सॉल्व कर सकते हो जीरो कॉमा फोर कॉमा सिक्स था ये रोबोट का पोजीशन था उसके बाद फैक्ट्री का पोजीशन था टू टू सिक्स सिक्स ठीक है अब आपको ये ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है कि फैक्ट्री ज़ीरो जो था ना उसका कितना लिमिट है यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि दो बार फैक्ट्री जीरो प्रेजेंट है यहाँ पर याद करो ये फैक्ट्री जीरो था उसका पोजिशन है दो बार मतलब दो बार दो दो रोबोट को फिक्स कर सकता है तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे आर जीरो आर वन आर टू ठीक है और ये फैक्ट्री ज़ीरो है ये फैक्ट्री ज़ीरो है फैक्ट्री वन है फैक्ट्री वन है तो एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे जो रोबोट का इंडेक्स होगा और एक फैक्ट्री का इंडेक्स होगा एक जे पॉइंटर ठीक है तो पहला हमारा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि अगर मैं करंट रोबोट के लिए करंट वाला फैक्ट्री को ऑप्ट ऑप्ट कर लेता हूँ ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोबोट इस फैक्ट्री में गया तो पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं टू माइनस ज़ीरो ठीक है उसके बाद क्या होगा दोबारा से रिकर्शन कॉल कर देंगे कि भाई तुम आगे का सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना ठीक है तो आई प्लस वन कौम जे प्लस वन को सॉल्व कर लेना यहाँ तक क्लियर है और अगर मैंने स्किप कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने रोबोट को मूव नहीं किया उस फैक्ट्री में मैं रोबोट को वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फैक्ट्री में रोबोट को मूव करूँगा तो रोबोट वही रहेगा इंडेक्स आई पे रहेगा लेकिन मैं नेक्स्ट फैक्ट्री में जा चुका हूँ जे प्लस वन पर ठीक है यहाँ तक क्लियर है उसके बाद अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं करना मिनिमम ऑफ दोनों में जिसमें मिनिमम मूव निकल कर आए वो मेरा आंसर होगा यहाँ तक क्लियर है तो देखो हमारा स्टोरी पॉइंट्स है वो काफ़ी सिंपल है सबसे पहला स्टोरी पॉइंट क्या था वी विल सॉर्ट फैक्ट्री एंड रोबोट अरे सॉर्ट करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फैक्ट्री अरे है उसको हम लोग क्या करेंगे पूरा खोल देंगे जैसे मान के चलते हैं एक फैक्ट्री है वो टू कोमर पोजिशन पर है टू पोजिशन पर है और वो दो रोबोट को फिक्स कर सकता है तो मैं इसको ऐसे मान लूँगा कि दो पोजिशन पर एक फैक्ट्री है और उसी दो पोजिशन पर एक और फैक्ट्री है है ना इसका मतलब क्या हुआ कि दो एक फैक्ट्री है वो दो दो पोजिशन इधर भी प्रेजेंट है दो पोजिशन पर और एक बार और प्रेजेंट है दो पोजिशन पर ठीक है तो ये मतलब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि सिम्प्लीफाई और एक्सपैंड फैक्ट्री अरे है ना और ये मैंने क्यों कहा करा था सो दैट लिमिट मेंटेन करने का नो no टेंशन है ना लिमिट मेंटेन करने का झंझट नहीं रहेगा मेरे पास मैंने अरे को ही खोल दिया है पूरा फैक्ट्री अरे को ठीक है तीसरा तो बहुत सिंपल है नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे ठीक है वहाँ पर हमारा एक फैक्ट्री पोजीशन का इंडेक्स होगा और एक रोबोट का इंडेक्स होगा रोबोट अरे का इंडेक्स ये होगा और फैक्ट्री का जो पोजीशन वाला मैंने अरे बनाया हुआ यहाँ पर सिम्पलीफाई करके उसका इंडेक्स ये होगा ठीक है आईकॉमा जे और यहाँ पर बस हमें दो चीज़ करना है कि अगर मैंने करंट वाले रोबोट को मूव कर दिया करंट वाले फैक्ट्री में तो रोबोट का पोजिशन जो भी होगा आई जो भी है रोबोट ऑफ आई रोबोट ऑफ आई माइनस और जे में जो भी पोजिशन होगा उसको पोजीशन नाम देते थे ना पोजिशन ऑफ जे उसका एप्सिल्यूट ले लिया प्लस आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करके ले आओ मेरे लिए आई प्लस वन नेक्स्ट रोबोट एंड नेक्स्ट फैक्ट्री ठीक है यहाँ तक क्लियर है ओके okay. और दूसरा है कि मैं करंट फैक्ट्री को स्किप मार देता हूँ ठीक है तो क्या हो जाएगा नॉर्मली मैं सॉल्व आई कॉमा जे प्लस वन यहाँ पर मैंने क्या किया ये रोबोट अभी भी यहीं पर है मतलब मैं अभी इसी रोबोट के लिए नया फैक्ट्री ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने करंट वाले फैक्ट्री को स्किप मार दिया है तो देखो फैक्ट्री वाला इंडेक्स मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर ठीक है और हमें रिटर्न क्या करना है दोनों में से जिससे मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए मिनिमम ऑफ टेक कॉमा स्किप और डेफिनेटली ये रिकर्शन हम लोग लिख रहे हैं तो मेमोइज़ हमें करें हम लोग करेंगे क्योंकि अगर कर आप इसका ट्री डायग्राम बनाओगे देखो मैंने डी पी वाले प्लेलिस्ट में मैंने इतना बार ट्री डायग्राम बना दिया कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ट्री डायग्राम बना सको खुद से तो इसका ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है तो इसको मेमोइज़ कर देंगे हम लोग ठीक है वरना ये टाइम लिमिट सीट दे सकता है यहाँ तक तो क्लियर है ओके अब देखो अब आप इसको रिकर्शन लिख रहे हो तो यहाँ पर बेस केस आपको लिखना पड़ेगा बेस केस ठीक है अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सारे रोबोट्स ख़त्म हो गए मतलब आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रोबोट्स अरे डॉट साइज़ हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब कोई डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं है जीरो डिस्टेंस कवर करने की जरूरत है क्यों क्योंकि सारे रोबोट्स कवर हो गए और अगर ऐसा नहीं हुआ कि सारे रोबोट्स ख़त्म नहीं हुए हैं और गलती से ऐसा होगा कि सारे फैक्ट्री मैंने एक्सप्लोर कर दी है जे ग्रेटर देन इक्वल टू जितने भी फैक्ट्री के पोजिशन थे पोजिशन डॉट साइज़ हमने सारे फैक्ट्री को एग्जॉस्ट कर दिया और अभी भी रोबोट बचे हुए हैं तो उस केस में क्या होगा ये इनवैलिड केस होगा हमारे लिए और सिंस हमें यहाँ मिनिमम निकालना है ना और तो इनवेलिड केस के लिए मैं यहाँ पर क्या रिटर्न कर दूँगा इंट मैक्स या तो कोई बहुत बड़ा वाली रिटर्न कर दूँगा क्योंकि ये मेरा क्या है ये एक इनवैलिड केस है ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ये केस मेरा है ना है? क्योंकि प्रॉब्लम में क्लियर कट दे रखा कि हमेशा ऐसा होगा कि रोबोट फिक्स uh, हो जाएंगे सारे रोबोट इतना फैक्ट्री इवेन होगा हमारे पास कि सारे रोबोट फिक्स हो जाएंगे ठीक है तो ये एक इनवैलिड केस है तो इनवेलिड में मैंने क्या किया एक इंट मैक्स भेज दिया क्योंकि हम यहाँ मिनिमम निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पर एक मैक्मम इन्वेलिड वैल्यू दे दिया यहाँ देख लीजिए तो देखो तो इतना सही कोड था ठीक है अब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं इसका बॉटम अप बताऊंगा आपको सिंस अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बॉटम अप के लिए अलग वीडियो मैं बनाऊंगा तो बॉटम अप का सेपरेट वीडियो होगा वेन आई वेलकम बैक टू इंडिया ठीक है तो अभी के लिए रिकर्शन और मेमोराजेशन वाला कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं तो चलो ऐसा कोड कर लेते हैं देखो सबसे पहला स्टेप क्या था शॉर्ट कर दिया मैंने रोबोट को और फैक्ट्री को राइट और ऊपर मैंने टाइप डेफ कर लिया लॉन्ग लॉन्ग को एल एल ताकि बाद में मुझे लॉन्ग लॉन्ग ना लिखना पड़े ओके okay. इसके बाद स्टेप टू किया था कि इस फैक्ट्री वाला जो पोजिशन है उसमें लिमिट भी दे रखा था राइट right? तो बार बार लिमिट का ट्रैक ना रखना पड़े रिकर्शन में तो मैं इस फैक्ट्री को पूरा एक्सपैंड कर देता हूँ है ना और एक अरे बना लेता हूँ वेक्टर ऑफ इंट पोजिशंस और ये पोजिशन क्या है फैक्ट्री का पोजिशन है राइट right? और इसमें सारे पोजिशन को डाल देते हैं इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई इज़ लेस देन फैक्ट्री डॉट साइज़ आई प्लस प्लस ठीक है यहाँ पर मैं लिमिट निकाल लेता हूँ लिमिट इज इक्वल टू फैक्ट्री ऑफ आई का वन और पोजीशन क्या था रोबोट का फैक्ट्री ऑफ आई का ज़ीरो ठीक है तो मुझे बस क्या करना है जितनी बार लिमिट है फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन लिमिट जे प्लस प्लस जितनी बार भी लिमिट है उतनी बार मुझे इस पोजिशन को इस पोजीशंस वाले अरे में डालना है ठीक है पोजीशंस डॉट पुश अंडर स्कोर बैक ठीक है इस पोजिशन को मुझे इतनी बार इस लिमिट सॉरी इस पोजिशंस वाले वैक्टर में डालना है तो इससे क्या हुआ कि मैंने एक्सपैंड कर दिया इस फैक्ट्री वाले अरे को ठीक है यहाँ तक क्लियर है ओके इसके बाद तो कुछ नहीं था मेरा स्टेप थ्री क्या था स्टेप थ्री सॉल्व फंक्शन है ना रिटर्न सॉल्व इंट ज़ीरो इंडेक्स किसका है रोबोट का इंडेक्स है फै का इंडेक्स ये ज़ीरो है ठीक है रोबोट और एक को भेजना पड़ेगा और किसको भेजना पड़ेगा पोजिशंस ऑफ फैक्ट्री वाले अरे को ठीक है यहाँ तक क्लियर है इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल सा फंक्शन लिख लेते हैं एंट सॉल्व ठीक है अब सॉल्व वाले फंक्शन में याद करो मैंने क्या बोला था क्या क्या भेज रहे हैं हम लोग चार चीज़ें भेज रहे हैं इंट रोबोट इंडेक्स जिसको मैं आर आई बोलूँगा इंट फैक्ट्री इंडेक्स जिसको मैं फैक्ट्री uh, के पोजीशंस का इंडेक्स है ना तो एफ आई बोल देते हैं इसको ठीक है और वैक्टर ऑफ इंट एंड रोबोट वैक्टर ऑफ इंट एंड पोजिशंस ठीक है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आर आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू रोबोट डॉट साइज़ हो जाता है मतलब मैंने सारे रोबोट को एक्सप्लोर कर लिया नो मोर डिस्टेंस टू बी कवर्ड ठीक है नो मोर डिस्टेंस टू बी कवर्ड ठीक है और अगर ऐसा नहीं हुआ सारे रोबोट ख़त्म ही नहीं हुए लेकिन सारे फैक्ट्री ख़त्म हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू पोजिशन डॉट साइज़ ये इनवेलिड केस है तो मैं क्या करूँ रिटर्न इंट मैक्स कर देता हूँ ठीक है ये इनवैलिड केस है मेरा ओके okay, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑबसे मेरे पास दो ऑप्शन है लॉन्ग लॉन्ग टेक करंट फैक्ट्री ठीक है करंट फैक्ट्री को अगर मैं ले, ले लेता हूँ करंट रोबोट के लिए तो ऑबेस से मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा रोबोट ऑफ एफ आई माइनस सॉरी रोबोट का पोजीशन क्या था आर आई था ना माइनस पोजीशंस ऑफ फैक्ट्री का एफ आई है ना तो एप्सिल्यूट वैल्यू निकल गया प्लस फर्दर का जो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके ले आओ नेक्स्ट रोबोट एंड नेक्स्ट फैक्ट्री एफ आई प्लस वन ठीक है रोबोट एंड पोजिशंस भेज दिया मैंने अगर मैं स्किप कर देता हूँ इसको एल एल स्किप इज इक्वल टू तो सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल करो करंट रोबोट तो रहेगा ही मेरा आ रहा है लेकिन नेक्स्ट फैक्ट्री की तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्किप कर दिया करंट फैक्ट्री को रोबोट पोजिशंस लास्ट में क्या करना रिटर्न मिनिमम ऑफ यहाँ पर क्या था टेक अंडर स्कोर करेंट अंडर स्कोर फैक्ट्री कॉमा स्किप करंट फैक्ट्री यहाँ तक क्लियर है तो एक बार रन करके देखते हैं लेट्स सी फॉर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस एग्जाम्पल टेस्ट केसेस ये विदाउट मेमोइजेशन हम लोग कर रहे हैं कहीं पर स्पेलिंग गलत है फैक्ट्री होगा यहाँ पर ना लेट्स Uh, कहीं पर हमने एक सीट कर दिया है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एंट है ना सॉरी हम हमें लॉन्ग लॉन्ग चाहिए रिज़ल्ट में तो एल एल रखते हैं तो लेट्स सी आई थिंक वी शुड बी एबल टू पास दिस टेस्ट केसेस रंग करके देखते हैं हाँ देखो तो हो गए हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस लेकिन अभी हम लोग सबमिट करके देखेंगे तो टाइम लिमिट स्ट्रीड आ जाएगा मोस्ट प्राइबली क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटीज़ है एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है ना हर एक रोबोट के लिए आप टेक कर रहे हो और स्किप कर रहे हो तो ऑब्वियस एक्सपोनेंशियल जा रहा है टू का पावर में जा रहा है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें क्या करना चाहिए इसको मेमोइज़ कर लेना चाहिए ठीक है तो अगर आप देखो मेमोइज़ करने के लिए आपको कितने डायमेंशन का वैक्टर चाहिए होगा दो डायमेंशन का क्यों क्योंकि देखो दो ही वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं एक आर आई और एक एफ आई रोबोट का इंडेक्स और फैक्ट्री का इंडेक्स ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक मेमोइजेशन अरे ले लेता हूँ वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ सॉरी इंट मेमोइजेशन अरे ले लेते हैं और यहाँ पर साइज़ पहले डिफाइन कर लेते हैं इंट एम इज इक्वल टू रोबोट डॉट साइज ठीक है और यहाँ पर पोजिशंस हमने निकाल लिया था ना एंट एन इज इक्वल टू पोजिशन डॉट साइज राइट तो ये वैक्टर को मैं यहां से नीचे डिफाइन कर लेता हूं लेट्स ओके एम प्लस वन एंड वैक्टर ऑफ एंट एन प्लस वन स्टार्टिंग में सबका वैल्यू माइनस वन रखता है ठीक है और इसको पास कर देते हैं यहाँ पर है ना और यहाँ पर पास जब करेंगे तो ऊपर सॉल्व वाले फंक्शन में रिसीव करना पड़ेगा इसी वेक्टर को मेमोराइजेशन वेक्टर को यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं एंड टी ठीक है और यहाँ पर इफ टी ऑफ रोबोट इंडेक्स कॉमा फैक्ट्री पोजिशन इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन मतलब हमने इस स्टेट को सॉल्व कर रखा है टी ऑफ आर आई कॉमा एफ आई को रिटर्न कर दो और अगर ऐसा नहीं किया है तो इस स्टेट का आंसर अभी हमें मिल चुका है यहाँ पर तो टी ऑफ आर आई कॉमा एफ आई को असाइन कर दो यहाँ पर ठीक है एक बार रन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल डिस्किस पास हो रहे कि नहीं अच्छा यहाँ पर सॉल्व फंक्शन जब भी आप कॉल करोगे तो आपको टी भेजना पड़ेगा राइट क्योंकि डेफिनेशन हमने चेंज कर दिया सॉल्व का रन करके देखते हैं लेट्स सी तो देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं बट एक गलती हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं देखो हमने जो मेमोइजेशन अरे बनाया है हमें इसको भी लॉन्ग लॉन्ग रखना चाहिए राइट है ना हमने इंटेंट ले लिया है इसको यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग होगा और यहाँ पर भी देखो लॉन्ग लॉन्ग होगा तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है लॉन्ग लॉन्ग जब रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पर इंट मैक्स क्यों रिटर्न कर रहे हो है, है ना तो या तो आप यहाँ पर एल लॉन्ग अंडरस्कोर मैक्स कर दो बट ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा आप थोड़ा छोटा बट हाई वैल्यू रख सकते हो टेन का पावर ट्वेल्व रख सकते हो यानी वन ई e का पावर ट्वेल्व ठीक है और ये मैंने रेफरेंस लिया है मतलब और भी कोई रैंडम वैल्यू आप ले सकते थे बड़ा वैल्यू बट ये मैंने रेफरेंस लिया है खुद लीड कोड से वन ई e का पावर ट्वेल्व इज़ अ सफिशियंट इनफ वैल्यू जो कि मैक्स की तरह काम कर जाएगा यहाँ पर ठीक है तो आई थिंक वी आर गुड हेयर रन करते हैं एग्ज़ाम्पल टेस्ट केसेस कहीं पर कुछ गलती नहीं होनी चाहिए लेट्स सी सबमिट करके देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा जितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हैं एम क्रॉस एन हमारे जो वेक्टर है मेमोजिशन उसमें टोटल एम क्रॉस एन स्टेट्स हैं तो मैक्सिमम इतने स्टेट्स होंगे ठीक है एंड वी हैव कंप्लीटेड अक्टूबर आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प सी यू गैन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू